रायगढ़ बीजेपी ने खारघर प्रभाग 5 की नगर सेविका लीना गरड़ को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लीना गरड़ पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को चलाने और स्थानीय नेताओं को बदनाम करने के आरोप में बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रशांत ठाकुर द्वारा यह निलंबन की कार्रवाई की गई है। टीवी वन इंडिया को अपनी लिखित प्रतिक्रिया देते हुए लीना गरड़ ने कहा कि फिलहाल उनके पास निलंबन की कोई नोटिस नहीं मिली है, लेकिन पार्टी का फैसला जो भी हो, वे खारघर, कलम्बोली, तलोजा और खांदा कॉलोनी के लाखों नागरिकों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। बताना जरूरी है कि लीना गरड़ ने सिडको जोन में डबल टैक्स प्रणाली का विरोध करते हुए पनवेल महानगर पालिका से टैक्स घटाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग ठुकरा दी, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही सत्तारूढ़ पार्टी के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए सेशन कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि पार्टी चाहे जो भी फैसला या कार्रवाई करे, अवैध टैक्स के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आइए सुनाते हैं। आपको नहीं लगता कि आपने सत्तारूढ़ दल के साथ, खुद की अपनी पार्टी के साथ इस तरह की बगावत कर दी, तकलीफ दे हो सकती है, आपका पद जा सकता है, आपको नहीं लगता ये खतरनाक है? तकलीफ दे रहे हैं ना मुझे अभी, कैसे मेरा, मैं यहाँ पे चुन के आई हूँ, जनता के लिए आई हूँ, ना किसी पार्टी की रक्षक करके या उनकी चापलूसी करने के लिए नहीं आई हूँ। कोई भी पार्टी हो, मुझे पार्टी से कुछ ये नहीं है, दुश्मनी नहीं है, बट यहाँ पे चल रहा है महानगर पालिका में बिकॉज मुझे जनता ने चुन के दिया है। मेरा काम है कि मैं जो भी करूँ, जो जनता के लिए करूँ, बट इस तरह से यहाँ पे जो अन्याय हो रहा है, काफी सारी चीजें हैं इसमें, तो टैक्स का विषय नहीं है, शर्म नहीं है महानगर पालिका को कि आप लोग किस तरह से आप टैक्स लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, कितना अन्याय कर रहे हैं जनता के ऊपर। और इसमें सत्ताधारी भी उस शामिल है, सत्ताधारी और प्रशासन दोनों मिलकर हाथ में हाथ लेकर ये सब काम कर रहे हैं। इस तरह से रूलिंग पार्टी गलत तरीके से पनवेल महानगर पालिका चला रही है और कॉमन पब्लिक पे अन्याय कर रही है। ये लड़ाई मेरी खुद की नहीं है, तो सारी पब्लिक की है, सारी जनता की है, तो जनता से मैं अपील करती हूँ सब मिलकर हमें लड़ाई लड़े। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।